वेलकम टू माई व्लॉग. आप लोगों ने टाइटल से देख ही लिया होगा, मैं मनाली ट्रैवल कर रही हूँ एंड आई थॉट वाई नॉट मेक अ व्लॉग आउट ऑफ इट टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई नीडेड. जब मैं ट्रैवल करने का सोच रही थी, देर वॉज अ लॉट ऑफ लूप होल्स कहीं ना कहीं, किसी वीडियो में कुछ, किसी वीडियो में कुछ. सो आई एम गोना गिव यू एवरी थिंग दैट आई नो. सो इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल बाय एयर, सबसे पहली बात तो आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं चाहिए एयरपोर्ट पे. सो दैट इज अ गुड थिंग. You will get PPE kits and all of that when you are boarding the flight. तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, बस मास्क लगाना बहुत जरूरी है. They will not let you enter the airport without a mask. Number टू, बैगेज के रूल्स अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं. सो जब मैंने बुक किया था फ्लाइट तो 20 केजीज अलाउड था, बट आई थिंक अब वापस से 15 केजीज हो गया है. यू शुड स्टिल क्रॉस चेक विद योर एयरलाइंस एंड सी कि आपको कितना अलाउड है. मेरे साथ आज बहुत पंगा हो गया था सुबह, क्योंकि मेरा कैबिन बैगेज जो है वो चेक इन बैगेज जैसा दिख रहा था, थैंक्स टू ऑल द फूड दैट माई पेरेंट्स हैव स्टफ्ड इन दैट, बट आई गॉट अवे विद इट, सो दैट्स गुड. सो मैं बताती हूँ मैंने कैसे प्लान किया था. मैंने इंदौर से दिल्ली फ्लाइट बुक करी एंड प्लान ये था पहले कि जिस दिन मैं दिल्ली लैंड होंगी उसी दिन हम लोग निकल जाएंगे. हम लोग मतलब मैं और मेरा एक और दोस्त ट्रैवल कर रहा है साथ में, हम लोग निकल जाएंगे और आई थिंक रात को कुछ 8-9 बजे तक पहुंच जाते. बट देन लास्ट मोमेंट पर आई थिंक माई डैड गॉट रियली कंसर्न एंड ही वॉज लाइक कि इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया कि इस टाइम पर ट्रैवल करो, रात को बहुत लेट पहुंचोगे एंड ऑल ऑफ दैट. उस टाइम पर मेरी फ्लाइट वगैरह सब बुक हो चुकी थी, सो आई कुडंट मूव अराउंड विद दैट. सो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि मुझे दिल्ली में एक दिन रुकना पड़ा और बहुत लास्ट मिनट डिसीजन था. And that is what I'm doing right now. I am in Delhi. मैंने just अभी अपने hotel में check-in किया है. I'm staying in Four Points by Sheraton. It's a pretty decent hotel and very close to the airport. So मैं आज यहीं रहने वाली हूँ and कल सुबह 4 बजे हम लोग निकलेंगे via cab. अगेन कैब के प्राइजेज दिल्ली टू मनाली बहुत सारे अलग अलग हैं, मैंने बहुत जगह पता करा, बट आई थिंक आई गॉट अ प्रीटी गुड डील, 7500 फ्रॉम दिल्ली टू मनाली एंड दैट टू आई एम गोना बी शेयरिंग विद अ फ्रेंड, सो इट्स गोना कम हाफ हाफ ऑफ दैट. एंड आई लीव द नेम ऑफ द कैब कंपनी इन द डिस्क्रिप्शन बिकॉज दे आर प्रीटी नाइस. अभी तक तो, अभी मैंने ट्रैवल किया नहीं है वैसे तो, बट प्राइज वाइज दे आर गुड, बट कल देखते हैं. ऑल्सो मनाली बॉर्डर में एंटर करने के लिए अब आपको कुछ नहीं चाहिए, पहले यू नीडेड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लेकिन अब कुछ भी नहीं चाहिए, नो कोविड रिपोर्ट, नो नथिंग, यू कैन जस्ट एंटर लाइक दैट. आपको सिर्फ आरोग्य सेतु ऐप चाहिए आपके फोन में जो आपको ग्रीन सिग्नल दिखाए एंड टेक सम टाइम इन हैंड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, क्योंकि अभी कोविड के कारण जितना भी प्रिकॉशंस वगैरह बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो आपका थोड़ा लेंदी हो सकता है प्रोसेस चेक इन का, उसके हिसाब से जाइए अपना थोड़ा टाइम लेके बफर में. सो या टुडे आई एम जस्ट गोना चिल इन दिस रूम, आई लव लिविंग इन होटेल्स, सो टुडे आई एम गोना हैव द टाइम ऑफ माय लाइफ, एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग, आई हैवंट स्लेप्ट एट ऑल लास्ट नाइट. मैं सिर्फ 2 घंटा सो पाई हूँ, बट आई डोंट थिंक आई एम गोना स्लीप बिकॉज मैं कल फिर उठूंगी नहीं. सो अभी 4 बजे निकलना है. सो या दैट्स ऑल द प्लान आई हैव फॉर टुडे एंड आई सी यू टुमारो.
गाइस, वी हैव रीच्ड मनाली एंड आई कैन नॉट जस्ट एक्सप्लेन हाउ ब्यूटिफुल एंड पीसफुल दिस प्लेस इज. आई मीन, इट जस्ट मेक्स मी रियलाइज दैट हाउ मच हसल बसल, हाउ मच, इन हिंदी मैं बोलती हूँ कचर कचर, कितना कचर कचर होता है इन द सिटी, इतना ज़्यादा. एंड जब से मैं आई हूँ तब से बस एक ही चीज़ प्रोमिनेंट है इधर, विच इज़ शांति. और इनफैक्ट मैं जहाँ रुकी हूँ ओल्ड मनाली में, वहाँ पर सब आसपास देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने में कैसे लोग रहते थे, ये लोग अभी भी एकदम वैसे ही रहते हैं. लकड़ी जलाना और अपने लिए मतलब लकड़ी काट के लाना, इट्स वेरी प्रोमिनेंट हियर टिल नाउ. और मेरा मेन मोटिव अगर मैं आपसे शेयर करूँ कि मैं इधर क्यों आई हूँ, 6 महीने से मैं घर पे थी एंड इट्स नॉट ईजी. मैंने अपना जो बिज़नेस था वो खुद चालू किया था मई में, एंड या अराउंड मई में. और अपना खुद का बिज़नेस चालू करना, वो भी लॉकडाउन के टाइम पे, जब एकदम आप घर में बैठे हो, पैक्ड हो, इट्स नॉट वेरी ईजी. इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ ऑफकोर्स. मैंने काफ़ी कोशिश करी थी कि मैं घर पे जितना प्रोडक्टिव हो सकूँ मैं उतना प्रोडक्टिव हूँ, बट इट वॉज़न्ट वेरी पॉसिबल. और प्लस फिर काफ़ी सब चीज़ें होती रहती हैं जब आप घर पे बैठते हो, तो ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी जिससे दैट ट्रिगर्ड मी कि यार अब निकलना है घर से, अब मैं नहीं रह सकती इधर. एंड एनी वे आई क्रिएटेड दिस लाइफ फॉर माई सेल्फ. आज से 2 साल पहले मुझे याद है जब मैं इमेजिन करती थी, मैं सोचती थी कि काश मैं ऐसा कुछ कर रही होती जिसमें कि मुझे लोकेशन की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, मुझे और किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, सिर्फ एक लैपटॉप होता और मैं काम कर सकती. एंड दैट इज़ हैपनिंग टुडे. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू स्टार्ट दिस जर्नी एट लीस्ट विद समथिंग दैट आई मैनिफेस्टेड ऑन माई ओन, दैट आई क्रिएटेड ऑन माई ओन. और यहाँ पर आकर सबसे पहला काम और सबसे पहला थाट मेरे दिमाग में यही आया था कि आई एम एक्चुअली डूइंग वॉट आई थाट आई वुड अ कपल ऑफ ईयर्स अगो. और मुझे सबसे बड़ी बात मुझे यही लगती है कि जब मैं ये सब सोचती थी कि मैं ऐसा करूँगी, उस टाइम पर कितना इम्पॉसिबल लगता था कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और मैं अभी इस वक्त कहाँ पर हूँ, वो सब सोचते हुए दिस मोमेंट यूज टू बी अ फार फेच्ड रियालिटी. बट इवन दो आई एम नॉट एग्जैक्टली वेर आई वॉन्ट टू बी राइट नाउ, बट आई एम गोइंग टू बी देयर वेरी सून एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. एंड आई ऑलवेज से मुझे हमेशा लगता है कि डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो जर्नी होती है, वी ऑल मेक इट जस्ट अबाउट द डेस्टिनेशन. हमें लगता है कि बस डेस्टिनेशन पहुँचना है और दैट्स ऑल दैट मैटर्स. अगर हम नहीं पहुँचे तो कुछ वैल्यू नहीं करता है. बट आई डोंट बिलीव दैट. आई बिलीव इन सेलिब्रेटिंग लिटिल सक्सेसेस अलॉन्ग द वे. और इसीलिए फॉर नाउ आई एम जस्ट सेलिब्रेटिंग द मोमेंट कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ और एटलीस्ट ये वीडियो शूट कर पा रही हूँ पहाड़ों में से, विच इज़ वेरी वेरी सरियल फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेट मी शो यू कि मैं एग्जैक्टली कहाँ बैठी हूँ अभी इस वक्त. इट्स सो सो ब्यूटिफुल. Guys, if you like this vlog, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And I am going to see you very, very soon. Bye.